नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके लिए सेना ने आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। जंगी जहाजों के अभ्यास की पूरी तैयारी हो चुकी है। वायुसेना के सुखोई, जगुआर, मिराज समेत कई लड़ाकू विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करेंगे। वायुसेना की ओर से आसपास एयर नेटवर्क की व्यवस्था की गई है। एक्सप्रेसवे पर जाने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट कर दिया गया है। एयरफोर्स का यह अभ्यास क्यों किया जा रहा है, इसे करने के पीछे का मकसद क्या है और इसे करने से भारतीय सेना को कितना फायदा होगा और अभ्यास में शामिल होने वाले जंगी जहाजों में कितना दम है, आज अपने खास कार्यक्रम सुपर पावर का आगाज एक्सप्रेसवे पर जंगी जहाज में ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में हम कुछ एक्सपर्ट जो आगे हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने आप में ऐतिहासिक ये पल होगा जो आप अब से कुछ ही देर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखने वाले हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक अद्भुत दृश्य दिखने वाला है जो कि 1.5 साल पहले आपको देखा था। और आप देखिए, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जो रनवे कहा जा रहा है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपको ये सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे होंगे। चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों की तैनाती है और आज यहाँ पर एयर शो होगा, यानी सेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छूते हुए आसमान में करतब दिखाते हुए दिखे जाएंगे। और बात अगर करें तो जगुआर, सुखोई के साथ जो अन्य हैं वो सभी आज यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो ऐसी जो तैयारियाँ हैं वो आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर जो सेना की टुकड़ी है वो सुरक्षा में लगी हुई है। सामने आपको जो सड़क दिखाई दे रही होगी वो रनवे है और इसी रनवे से छूता हुआ जो विमान है वो आसमान की सैर करने के लिए रवाना हो जाएगा। तो रोमांचक दृश्य होगा, लेकिन आपको बताएं कि इस दृश्य से कहीं ना कहीं पूर्वांचल के विकास का संदेश देना है, इसके साथ ही आने वाले समय में जो बदलाव है उसका संदेश देना है। और जो सैन्य बल है, यानी जो लड़ाकू विमान का जो बल है वो कितना सशक्त है, इसको भी दर्शाया जाना है। कैमरामैन अमर के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया। तो ये जी मीडिया संवाददाता नीतीश कुमार की अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन अपने आप में ये काफी ऐतिहासिक पल आज रहने वाला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। देखिए, 4 घंटे तक यहां पर ये जो पूरा का पूरा आपको नजारा है वो नजर आने वाला है। यहां पर देखिए शो किया जाएगा, पूरी व्यवस्था यहां पर कर ली गई है। कल ही ये जो पूरा एरिया है, इवन 12 किलोमीटर का रूट डायवर्जन कर दिया गया है। जो लोग लखनऊ जाना चाह रहे हैं इस एक्सप्रेसवे से या गाजीपुर जाना चाह रहे हैं वो लोग भी जरा इस खबर को ध्यान से देखें, क्योंकि अपने आप में आज एक संदेश तो यहां से जाएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात देखिए ये भी है। अगर हम बात करें तो विमानों की गर्जना से एक बड़ा संदेश मिलने वाला है। और यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि जो हमने कैप्शन में भी लिखा, हिंदुस्तान का दम देखो, MiG-29, ये अलग अलग फाइटर जेट्स आपको नजर आएंगे यहां से उड़ान भरते हुए, अवॉक्स विमान और इसके अलावा हेलीकॉप्टर। तो आप ये नजारा आज देखने वाले एक बार फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर। देखिए, यहां जब इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उद्घाटन के दौरान, तो उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि यहां से जो विमानों की गर्जना है उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। ये वाकई जो एक्सप्रेसवे है, यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है, यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है, यूपी की जो मजबूत होती अर्थव्यवस्था है उसका ये एक्सप्रेसवे है, यूपी की ये शान है। और इसीलिए ये एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया गया था। और आज एक बार फिर से आप हिंदुस्तान का दम देखेंगे इस एक्सप्रेसवे पर, जो अपने आप में बहुत ही खास होगा। 3-3 एयर स्ट्रिप वाला, इसके साथ यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। तो अपने आप में ये कितना खास है ये आप समझ सकते हैं इस बात से। लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब देखिए 5 साल पहले शुरू हुआ, उसके बाद उद्घाटन कर दिया गया था और आज यहां पर एक बार फिर से एक बड़ा संदेश जाता हुआ आप यहां से देखने वाले हैं। इस वक्त अजय कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से बहुत खास तस्वीर आज पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया देखने वाली है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से।
आप इस पूरे नजारे को कैसे देखते हैं? कितना खास, कितना ऐतिहासिक ये पल भारतीय सेना के लिए भी रहने वाला है? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही जी? हाँ, मेरा सब आप सबको प्रणाम और जय हिंद। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि जिस तरह से हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेसवे पे एयर स्ट्रिप बनाई, आज हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। ये एक हमारे देश की जो प्रगति हो रही है, जो डिफेंस में जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। क्योंकि जो अब का वारफेयर है वो बिल्कुल बदल चुका है और हम लोग कुछ मिनटों में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। जहां तक बात है हमारे जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जो हम लोगों के डिफेंस एयरपोर्ट होते हैं, उसकी सबको सब जानकारियां होती हैं कि यहां पे इतने स्क्वाड्रंस हैं, यहां पे इतने हवाई जहाज़ हैं। लेकिन जब हम लोगों को दूसरी जगह अपने हवाई जहाज़ों को ऑपरेट करना होता है, तो हम लोग रिमोट पे जितनी जल्दी हम लोग पहुँच सकें अपने दुश्मन के पास, हमें नई स्ट्रिप नहीं बनानी पड़ती, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना होता। इन्हीं हाईवे को हम लोग हवाई अड्डे की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग किसी भी दुश्मन के ठिकाने पे पहुंच सकते हैं और इमरजेंसी में उनकी हम वहां लैंडिंग भी करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है और हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और आज हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो इन एयर शो को देख के उनकी रूह कांप जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया, सुखोई 30, जगवार, मिराज 2000, मिग 29, अवॉक्स विमान, ये बहुत सारे फाइटर जेट्स जब यहां से गर्जना भरेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुस्तान की जो शक्ति है, जो भारत की शक्ति है, क्या बिल्कुल वो एहसास करने वाला पल नहीं होगा? देखिए, जब हवाई जहाज उड़ते हैं, अभी तक तो हम लोग बॉर्डर पे देखते थे या जो हमारे वहां के एयरपोर्ट होते थे, हमारी जो जनता है उसको जब वहाँ से वो हवाई जहाज उड़ेंगे और उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, हम लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं और जो हम लोग ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें हमने कितनी तरक्की की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में हैं और वो ये जो हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा संदेश हमारे दुश्मनों को जाएगा, जो कि अमेरिका और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साझा किया है। जो आतंकवादी देश हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की थी और एक ये भी संदेश देने की आज कोशिश हो रही है कि अगर हिंदुस्तान पे कोई भी आंख उठाएगा तो शायद उसकी आंखें हम लोग फोड़ देंगे। और ये हम लोगों का एक बहुत ही अच्छी तैयारी है और हम लोग जितने भी हाईवेज बना रहे हैं उसके ऊपर एयर स्ट्रिप भी हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ तीन तीन एयर स्ट्रिप वाला देश का पहला राज्य यूपी बन गया है। लेकिन इससे तक जिस बात का आपने भी अभी जिक्र किया, आप देखिए अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, वहां से एक अलग केमिस्ट्री दिखी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच, जिससे जो दुश्मन देश है भारत के उन्हें एक बड़ा संदेश पहुंचा और एक संदेश यहां से भी आज पहुंचेगा। एक संदेश ये भी होगा जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया दशकों तक, उनके लिए भी एक संदेश होगा कि हाँ, हम उत्तर प्रदेश की धरती से भी इस तरह का नजारा आपको दिखा सकते हैं। कितना दम है हिंदुस्तान में, वो नजारा आप उत्तर प्रदेश की धरती से भी देख सकते हैं। हमारी आप बॉर्डर पे जो हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं, जो हम लोगों के बॉर्डर पे सड़कें बनाई जा रही हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जो कि पहले इतना नहीं हुआ। और आज चाइना भी हम लोगों को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और जो भारत है, आपने देखा होगा कि पहले अमेरिका भारत का उतना सपोर्ट नहीं करता था, वो केमिस्ट्री नहीं थी जो अभी आपने बोली, और जो कल प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई दी और जितनी तालियां बजी, जितने बार स्टैंडिंग ओवेशंस हुए, शायद इसके पहले कभी नहीं हुए थे।